जब हम प्रभु की उपस्थिति में होते हैं तो परमेश्वर हमें इसलिए चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में रहें, ताकि परमेश्वर जो करने वाला है वो बातों को हमारे ऊपर प्रकट कर सके। हालेलुया। क्यों प्रकट करना चाहता है? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। वो हमसे प्यार क्यों करता है? क्योंकि उसके आत्मा हमारे अंदर, क्योंकि उसने हमें अपने प्रतिरूप और समानता में बनाया है, और इसलिए वो हमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। वो चाहता कि सारी चीजों को बताए। जिस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, जिस प्रकार स्वर्ग को बनाया, स्वर्ग में परमेश्वर राज करता है, और परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी दिए ताकि वो उसके ऊपर राज करे, और परमेश्वर जो पृथ्वी के ऊपर करने वाला है उन सारी बातों को वो चाहता है कि वो उसको बताए कि मैं पृथ्वी के ऊपर क्या करने वाला हूं। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उपस्थिति में बैठे। हालेलुया। और जब हम उसके उपस्थिति में बैठते हैं तो परमेश्वर कौन है हम उसके बारे में एक्चुअल में जानना शुरू करते हैं। हम परमेश्वर के बारे में नहीं, हम परमेश्वर कौन है, क्या है, उसको जानना शुरू करते हैं। अब्राहम ने जब वो मोरिया पहाड़ के ऊपर गया और वहां पर उसने अपने बेटे को बलिदान देने की उसने कोशिश की, जब उसने किया तो वहां पर परमेश्वर उसको रोक दिया, और वहां पर क्या आया, एक मेंढे को परमेश्वर ने भेजा और उसने उसको बलिदान दिया, और फिर अब्राहम ने वहां पर परमेश्वर का कुछ तो नाम रखा। वो क्या नाम था? यहोवा, यहोवा ईर, यानी कि उपाय करने वाला। हालेलुया। उसके बाद में जब परमेश्वर ने मूसा को जब मिला, परमेश्वर ने मूसा को अपना मतलब प्रकट किया कि उसका नाम क्या प्रकट किया, कि उसको मैं हूँ सो हूँ, यानी कि यहोवा नाम से अपने आप को प्रकट किया। उसके बाद में मत्ती इसके 16 अध्याय को जब हम पढ़ते तो वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों से कुछ बात करते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र को लोग क्या कहते हैं, बरोबर याद है? किसी को याद आ रहा है? मत्ती 16 में यदि किसी को याद नहीं आ रहा हो उसको पढ़ लेना। तो वहां पर लिखा कि मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं, वो चेलों में से कहते हैं कि बहुत से लोग जो क्या कहते हैं, कोई भविष्यवक्ता कहते हैं, कोई बड़ा संदेशक कहते हैं, ये सारी चीजें बोलते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह बोलते ठीक है तुम क्या कहते हो। यहाँ पर जो वो कहता कि तुम क्या कहते हो, उसका मतलब ये है कि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर ये कहना चाहता है कि तुम मुझे क्या समझते हो, कि व्यक्तिगत तुम मुझे क्या समझते हो कि मैं कौन हूं। हालेलुया। और वहां पर 11-12 में से एक व्यक्ति ने बात किया, उसका नाम क्या था? पत्रस। उसने क्या कहा कि तू कौन है? मसीहा। और उस समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि लहू और मांस ने तुझे बात प्रकट नहीं की, परंतु जो मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने तुझ पर बात प्रकट की। तो मूसा के लिए वो यहोवा था क्योंकि उसने उसका अनुभव लिया। अब्राहम के लिए वो यहोवा ईरे बना क्योंकि उसने उसका अनुभव लिया। और पत्रस ने जब कहा कि वो कौन है, हमारा उद्धार करता है, तो उसने उसका अनुभव लिया। तो उसी तरीके से हम लोग परमेश्वर में जब बैठते हैं, हम जब परमेश्वर के उपस्थिति में रहेंगे तो हम व्यक्तिगत परमेश्वर को जानेंगे, और हम लोगों को पता होना चाहिए कि वो मेरे लिए कौन है। हालेलुया। केवल परमेश्वर ने, परमेश्वर तो है वो, हालेलुया, मगर साथ ही साथ जानने का था कि हम उसके लिए क्या है, वो हमारे लिए क्या है, क्या वो हमारा उद्धार करता है, क्या हमारा यहोवा जा रहा है, क्या हमारा छुड़ाने वाला है, क्या हमें विजय देने वाला है, क्या वो हमारा शांति देने वाला है, क्या वो हमें चंगा करने वाला है, वो कौन है। वो केवल सुन के नहीं, परंतु वो व्यक्ति जो है उस बात को अनुभव करके इस बात को कह सके कि हाँ वाक्य में मेरा परमेश्वर जो है यहोवा जा रहा है, या मेरा परमेश्वर जो है यहोवा ईरे है, या मेरा परमेश्वर जो यहोवा शालोम है, या मेरा परमेश्वर जो यहोवा रफा है, क्योंकि उसने मेरे जीवन में काम किया, उसने मुझे चंगा किया है, उसने मुझे शांति दी है, उसने मुझे आनंद दिया। ये सारी बातें तब प्रकट होती है तब जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठते, उसके अलावा नहीं होता। सिर्फ संडे संडे चर्च में आने से कुछ नहीं होता है, संडे संडे प्रार्थना में आने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ परिवार की प्रार्थना करने से भी कुछ नहीं होता है। परमेश्वर व्यक्ति का संबंध चाहता है, परमेश्वर व्यक्तिगत रिश्ता हमारा क्या है वो हमें जानना जरूरी है। हमें व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ में संबंध होने चाहिए कि वो कौन है। हालेलुया। वो हमारे लिए क्या है, हमें उसको जानना जरूरी है। जब हम उसको जानेंगे तभी तो हम सही तरीके से प्रार्थना कर सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यारो आज की शाम जो है मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ज़्यादातर समय जो है प्रभु की उपस्थिति में था, क्योंकि परमेश्वर जो है बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आज हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें घट रही हैं।
हालेलुया। आज हम देखते हैं कितनी गर्मी हो रही है ना, बहुत सारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये सारी बातें उन लोगों के लिए ताज्जुब है जिनके लिए वो नया है, परंतु उन लोगों के लिए ताज्जुब नहीं होने चाहिए जो मसीह लोग हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल में ऑलरेडी इन सारी चीज़ों का जिक्र दिया गया है। आज जो पैसा जो है वो जाने वाला है, कैशलेस जैसा होने वाला है, ये बातें जो लोगों के लिए एक नई है बात है, परंतु जब कैशलेस का जो बात हुआ तो सबके लिए नई बात थी, परंतु जो मसीह लोग है और जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले लोग है उनके लिए वो नई बात नहीं थी, क्योंकि उसका जिक्र जो है प्रकाशित वाक्य किताब में ऑलरेडी लिखा हुआ है। हालेलुया। आज जो भी चीजें हो रही है वो चीजें मसीह लोगों के लिए ताज्जुब की बात ना हो, क्योंकि वो सारी चीजों का क्या बोलते उसको रिकॉर्ड जो है परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी दे दिया। तो कब हमें पता चलेगा? तब जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। परमेश्वर जो है केवल हमें आज के बारे में बात नहीं करना चाहता है, परमेश्वर हमारे भूतकाल के बारे में बात नहीं करता है कि उसने क्या किया क्या नहीं, परंतु वो हमें आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बताना चाहता है। भजन से उसके 91 में लिखा है कि उसमें यदि हम उसको आगे बढ़ते उसने लिखा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मुझे क्या करेगा, छुड़ाएगा और अपने किए हुए उद्धार का वो दर्शन दिखाएगा। हालेलुया। अभी मूसा एक मिडल में है, उसको लेकर परमेश्वर ने उत्पत्ति किताब में लेके गया, उसने 5 किताबें लिख ली। अभी फिर उसके बाद में मिडल से लेकर परमेश्वर उसको कहाँ लेके जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे लिखा कि जी उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए वो मुझे छुड़ाएगा। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। हालेलुया। तो इसका मतलब परमेश्वर जो है, मैंने कहा कि वो अल्फा ओमेगा है, आदि और अंत है। उसने भूतकाल में लिखे गया और उसके बाद में उसको कहाँ पे लेके गया, जो भविष्य है उसमें भी वो लिखे गया। तो हमारा परमेश्वर जो है हमें सारी बातों को प्रकट करना चाहता है, मगर ये बातें तब हमें मिलेगी, तब हमें पता चलेगा जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ में बने रहेंगे, हम परमेश्वर कौन है उसकी खोज करेंगे, तभी होगा। हालेलुया। और ये कैसा होता है, हमें प्रार्थना करनी है, हमारा समय प्रार्थना होना चाहिए, हमारा समय जो बाइबल पढ़ने में होना चाहिए, हमारा समय जो है परमेश्वर की आराधना करने में होना चाहिए। हालेलुया। हम बहुत से लोग जो है आज सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं इसीलिए ताकि क्या हो रहा है उन चीज़ों को हम समझ सकें, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हो रहा है उसके बारे में आपको सोशल मीडिया बताएगी, मगर जो होने वाला है वो सोशल मीडिया आपको नहीं बताएगी। आपको बताने वाला केवल एक है और वो परमेश्वर और परमेश्वर का वचन। हालेलुया। वो आपको बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। सोशल मीडिया बता देगी अभी क्या हो रहा है, मगर परमेश्वर का वचन हमें जो आगे होने वाला वो भी बताने का सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। आज की शाम में आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम लोग परमेश्वर के वचन में बढ़े, हमें परमेश्वर के साथ में समय बिताने वाले व्यक्ति होने चाहिए, हमें प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दिन बुरे हैं, हम जिस समय में जी रहे वो सही नहीं है। हालेलुया। कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। मेरी बीवी ने आज मैंने नया शर्ट पहना है। हालेलुया। देखा ना, अच्छा शर्ट है ना। मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया ग्रेस, वो बाहर गई, उसने रात में मुझे गिफ्ट किया और मेरी बीवी मेरे को रात में बोलती, मुझे मालूम है अब क्या करूँगी, बोला क्या करूँगा, बोले आप संडे को पहनोगे, बोला हाँ पहनूंगा मैं, और मैंने फटाक से शर्ट पहन लिया। सारी बातें मेरे को फिर बोलती है मुझे मालूम था आप पहनोगे, मैंने उसको बोला मुझे मालूम है, तेको पता है, ठीक है, मगर मैं इसलिए पहनता हूँ कि मुझे मालूम नहीं कि अगले समय में यदि प्रभु यीशु मसीह आ गया तो मेरा शर्ट पहनना तो रह गया ना। हालेलुया। मैं नहीं जानता कब क्या होगा। हालेलुया। मगर सारे जो असर जो दिख रहे, जो सारी जो बातें जो हो रही है, इससे हम समझ सकते हैं कि कभी कुछ भी हो सकता है, प्रभु मसीह कभी भी आ सकते हैं। हालेलुया। ये तो केवल एक उदाहरण दिया। हालेलुया। शर्ट पे देखा। हालेलुया। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जागरूक रहो। इसका मतलब ये नहीं कि घर पे जो नए नए कपड़े भी निकालो पहनते बैठो, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ये जो समय प्रभु ने दिया है उस समय का हमें क्या करना है, अवसर उठाना है, उसका महत्व क्या वो लेना है, और हमें अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में रखना है। केवल मैं नहीं मगर मेरा परिवार भी परमेश्वर की उपस्थिति में है क्या नहीं, उस बात को भी मुझे देखना जरूरी है। हालेलुया। तब हम परमेश्वर कौन है उसको जानेंगे। हमें परमेश्वर क्या है उसके बारे में नहीं जानना है, ठीक है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, नेट के ऊपर सर्च करोगे यीशु मसीह कौन था, सब डिटेल्स आएगी,
यीशु मसीह कौन था, कहाँ पर पैदा हुआ, कितने साल उन्होंने सेवकाई की, कितने साल में उनका बपतिस्मा हुआ, उसके बाद में कितने साल में वो मरे, और उसके बाद में उनके कितने चेले थे, उन चेलों ने क्या किया, पूरा डिटेल्स आ जाएगा गूगल के ऊपर यदि टाइप करोगे तो। हालेलुया, इन्फॉर्मेशन बहुत सारा मिलेगा, मगर एक्चुअल में वो कौन है वो तब पता चलेगा जब पवित्र आत्मा हमें उन बातों को प्रकट करेगा। हालेलुया, और उसके लिए हमें प्रभु के उपस्थित में बैठना जरूरी है। यहाँ पर मूसा ऐसा ही नहीं कहता कि जो परम प्रधान के छावे स्थान है, मूसा वहाँ पर बैठा था 40 दिन और 40 रात, वो वहाँ पर बैठा था, ना उसको भूख लगी ना उसको प्यास लगी, मगर जब वो वहाँ से उतरा, वचन कहता है कि बहुत से लोगों ने उससे कहा कि मूसा तो हमसे बात मत कर, क्योंकि तेरे मुँह से उसकी जो किरणें जो आ रही थी लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। आजकल बहुत से बहन लोग बोलो, भाई लोग बोलो, अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए क्या क्या लगाते हैं, है ना, स्क्रब ये वसा। मैं आपको बोलता हूँ उपस्थित बैठो आप ग्लो पाओगे। हालेलुया, नेचुरल जो परमेश्वर की जो महिमा है वो आपके चेहरे के ऊपर झलकने पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद इन सारी बातों के लिए, और मेरे को ऐसा जो लगा कि मैं आपसे ये बात करना चाहिए इसके लिए मैं बात किया। एक्चुअली मेरा ये आज ये वचन था ही नहीं, मेरा वचन कुछ दूसरा था, और मैंने जोशो को कुछ बोला था कुछ लेके आने के लिए, उसने वो लेके भी आया, उसके लिए थैंक यू, मगर वो शायद से जब प्रभु बताएगा तो उसको नेक्स्ट टाइम हम इसको यूज़ करेंगे। हालेलुया, आज परमेश्वर ने मुझे मेरे अंदर वो बात को रखा कि मैं इस विषय के ऊपर बात करूँ कि हमें प्रभु में समय बिताना चाहिए। परमेश्वर कौन है उसको व्यक्तिगत जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में मत जानना, ठीक है, हाँ बाइबल पढ़ते अच्छी बात है, उसको पढ़ो बहुत पढ़ो, मगर व्यक्तिगत भी उसको जानो कि वो क्या है। हाँ।